कैसा है आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का एवी प्लेयर का टैम्पलेट लेके आ चुका हूँ। दोस्तों आज का जो टैम्पलेट है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफरेंट तरीके का है, जैसे कि आप लोग स्टार्टिंग में देख चुके होंगे, ठीक है। तो अगर अभी इस तरह के टैम्पलेट बनाना चाहते हैं एवी प्लेयर का और इस तरह का व्हाट्सएप स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको कम्प्लीटली देखना होगा पूरा। सो उम्मीद है ये टैम्पलेट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा आप लोगों को। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को कुछ ट्यूटोरियल भी दे दूंगा कि कहाँ पर कौन सा बॉलर इफेक्ट आपको यूज करना है, कहाँ से मतलब मोशन बॉलर इफेक्ट कौन सा मतलब कहाँ पर आपको यूज करना, सब कुछ मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, ठीक है। सो गाइस आज का वीडियो कम्प्लीटली पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ जो है शेयर कर दीजिए थोड़ा बहुत। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एवी प्लेयर ऐप को आ जाना है खोल के होम पेज पर, ठीक है। और सबसे पहले तो टैम्पलेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया वहाँ और बैकग्राउंड फोटो का, दो चीज़ आपको डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले इस टैम्पलेट को लोड करने से पहले आप बैकग्राउंड फोटो को यूज कर लें, मतलब लोड कर लें, ठीक है। उसको सबसे पहले यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे ही एवी प्लेयर ऐप में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर टैम्पलेट लोड करना होगा, इस पर क्लिक करके। तो यहाँ पर आई होप आप लोग लोड करना तो जानते होंगे। सो गाइस आपको क्या करना होगा, सबसे पहले टैम्पलेट को कस्टमाइज करने के लिए हमें यहाँ पर पेंसिल के आइकन पर जाना होगा और जैसे ही पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे यहाँ बहुत सारा आपको ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखते हैं ऑडियो प्रोवाइडर के नीचे आपको बहुत सारा इमेज मिलेगा। सबसे ऊपर वाला इमेज आपको कुछ भी नहीं करना, उसके नीचे एक इमेज मिलेगा, ठीक है। ये बेसिकली पार्टिकल है तो इस पर आपको क्लिक करना है और अभी इसको विजिबल डिसेबल बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है योर इमेज, ठीक है। तो योर इमेज पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से इमेज पर जाना है, पर बॉक्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर पिक इमेज करना है, यहाँ से आपको जो है गैलरी से कोई भी इमेज ले लेना जिस पर आप लोग एवी प्लेयर का टैम्पलेट बनाना चाहते हैं। तो मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस इमेज का, तो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे टैम्पलेट मतलब यहाँ पर बैकग्राउंड फोटो सेलेक्ट करेंगे गाइस तो यहाँ पर रेड कलर का कलर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कलर पर जाना है, यहाँ पर जैसे रेड कलर सेलेक्ट है तो इसको यहाँ से आपको बीच में सेलेक्ट करके यहाँ पर जो व्हाइट कर देना तो ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। उसके बाद जो उसके नीचे आ जाता है शैडो, ठीक है। तो शैडो पर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पर चैनल पर जाना है, इसका विजिबल यहाँ से इनेबल कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है ओरिजिनल कलर आ चुका है। यहाँ पर जो है हमारा बैकग्राउंड फोटो का तो काम हो चुका है, लेकिन गाइस अभी और बहुत सारा कुछ यहाँ पर बाकी है। तो आपको क्या करना होगा गाइस, यहाँ पर उसके नीचे इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो इफेक्ट पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से जो है आपको विजिबल इनेबल कर देना है। चलिए मैं बैकग्राउंड में थोड़ा एक सॉन्ग प्ले करके भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी इस तरह का इफेक्ट आएगा, तो यहाँ तक देख सकते दोस्तों मोशन मिरर इफेक्ट के नीचे आपको जो है आ जाना है, ठीक है। ऊपर तो सारा काम खत्म हो गया, तो नीचे आपको आना गाइस, यहाँ पर टेक्स्ट रहेगा अपना चैनल का नाम, यहाँ पर अपीयरेंस पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करके अपना चैनल का नाम दे दीजिएगा। उसके नीचे दो इमेज आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सब इमेज को आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको नीचे आना है। इधर भी आपको इमेज में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सीधा आपको नीचे आना है, ठीक है। और यहाँ पर कंपोजिशन वन के नीचे जो दो यहाँ पर देख रहा है आपको इमेज, तो इस पर जनरल पे क्लिक करके विजिबल इनेबल कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो, ठीक है। तो एक कलर ना ही दो तो ही सही है, तो इसको छोड़ सकते हैं आप लोग, स्किप कर सकते हैं। तो आपको सीधा उसके नीचे आना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कंपोजिशन वन के नीचे आपको बहुत सारा इमेज मिलेगा, उसको इनेबल करने के बाद आपको सीधा आ जाना है कंपोजिशन फाइव पे, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टिकल रहेगा गाइज, तो यहाँ पर क्लिक करना है और पार्टिकल को इनेबल कर देना है। इतना करेंगे गाइज तो अभी लास्ट काम बचा है, आपको सबसे ऊपर आना है और यहाँ पर योर इमेज रहेगा, उसके ऊपर एक इमेज रहेगा, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसका विजिबल इनेबल कर देना है। तो अभी अगर बैक जाते हैं गाइस तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सॉन्ग अगर मैं प्ले किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको आ जाएगा, ठीक।